अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें ये प्रूफ जो है, ये रिजल्ट जो है, हमें याद होने चाहिए। प्रूफ दैट लिमिट एट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर एन इज इक्वल टू ई। और प्रूफ दैट, ये हमने प्रूफ पिछले लेक्चर में किया है, तो ये रिजल्ट भी हमने क्या करना है, यानी कि इस एक्सरसाइज में ये तीनों रिजल्ट जो हैं हमारे वो अप्लाई होंगे। एक्सरसाइज 1.3, वैल्यूएट द लिमिट यूजिंग द थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 है और 2x+4 है। एक्स जहाँ है पे है, हमने क्या करना है, दो टर्म है दोनों पे, हमने क्या करना है अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है। 2x पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी और 4x पे हमने क्या कर दिया, 4 पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। और इधर हमारे पास एक्स नहीं है, अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 6 आ गया। और प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और हमारे पास पहले का आंसर 10 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, 3x² -2x+4। लिमिट अलग अलग से अप्लाई करेंगे, लिमिट अलग अलग से हमने अप्लाई कर दी, और जहाँ पे x है हमने वहाँ पे क्या कर देना है, x लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। लिमिट हमारी क्या, 1 1 हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पे हमारे पास x हमको नजर आया। तो अब क्या, अगर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, +4, और 3 -2 +4 इज इक्वल टू 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 आ गई हमारे पास, 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x-2 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। नोमिनेटर में फिर हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ पे एक्स था हमने क्या किया है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो -2 -2 हमने वहाँ पे पुट कर दी है, और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी हमने -2 पुट कर दी है, और इसकी पावर क्या है, 3 है। -2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होती है, तो इसके 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। और माइनस प्लस माइनस होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 2 को माइनस 2 से 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस माइनस ये 16 -12 -26 और डिवाइडेड बाय -6 -2 -8 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, x^-x³ - x ओवर x+1। लिमिट हमारे पास क्या है, हम यहाँ से डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कभी भी नहीं करेंगे जब भी हमारा रिजल्ट जो है 0/0 की फॉर्म में आ रहा होगा या डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 बन रहा होता। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यहाँ से एक्स जो है कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, x² - 1 आ जाएगा ओवर डिवाइडेड बाई x+1 आ जाएगा। ये हमारे पास a² - b² के फार्मूले से हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तो हमारे पास a x-1 और x+1 आ जाएगा। तो हमने ये x+1 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास लिमिट हमारे पास क्या, -1 -1, हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये भी माइनस माइनस के 2 हो गए, ये क्योंकि प्लस हो रहा है, तो ये माइनस का 1 है बाहर, -1 और -2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 3x³ + 4x डिवाइडेड बाय x² + x। हमने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 4 प्लस सॉरी इधर 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 प्लस 4 हमारे पास 8 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4
फोर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये याद रखें फोर है, यहाँ पे भी हमारे पास फोर है, तो इस जगह पे फोर आएगा तो हमारे पास फोर प्लस फोर एट तभी बनेगा, कन्फ्यूजन ना हो आप में से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट क्वेश्चन नंबर टू आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स क्यूब माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। एट जो है हमारे पास टू का क्यूब होता है, इसलिए हमारा हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, टू का क्यूब कर लिया। डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई नहीं करनी क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है, इसलिए हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो हमारे पास इधर एट जो है हमारे पास टू का क्यूब आ जाएगा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास फैक्टराइज हम इसको करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स आ जाएगा। और ऊपर ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया और यहाँ से माइनस टू कॉमन आएगा तो हमारे पास एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास एक्स माइनस टू, वैसे ये नोमिनेटर सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नीचे एक्स माइनस थ्री जो है हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स माइनस टू आ जाएगा, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई अब हम कर देंगे अब क्योंकि हमारे पास जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं बन रही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स की जगह पे टू रखा, इस एक्स की जगह पे टू रखा, हमारे पास स्क्वायर किया प्लस टू इंटू टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री, तो टू का स्केयर हमारे पास फोर होता है, टू टू द फोर और फोर वैसे का वैसे आ गया, तीन दफ़ा फोर प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा डिवाइडेड बाय फाइव वैसे का वैसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स, इसका क्या क्या है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बनती है, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हमने जो वन है ये हमने पहले लेके आना है, हमारे पास हमने क्यूब का फार्मूला सेट कर लेना है, एक्स क्यूब माइनस वन आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है क्यूब का फार्मूला। और नीचे हमने क्या किया है, एक्स को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स माइनस वन हमारे पास, इस पे हमने क्यूब का फार्मूला ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये माइनस दोनों टर्मों में से माइनस थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स हमारे पास कॉमन आया तो हमारे पास एक्स बच गया और यहाँ पे माइनस वन बच जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन में से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लिया, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आ गया हमारे पास, हमारे पास इधर एक्स माइनस वन और इधर भी एक्स माइनस वन, ये दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन और इधर माइनस थ्री एक्स इस टर्म में से बच जाएगा और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हम, और ऊपर क्या हमारे पास बच गया माइनस थ्री एक्स, ये प्लस का माइनस का टू एक्स बच गया, बाकी प्लस का वन वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई हम किए जहां जहां पे एक्स है हम क्या कर देंगे, वन अप्लाई कर देंगे, जब हम वन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन माइनस टू एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह वन रखा तो हमारे पास टू आया, टू माइनस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो बाय टू हमारे पास क्या आएगा, तो अब हमारे पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका साइन चेंज करके हम क्या कर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ये हमारे पास ए माइनस बी समय लिया और ये ए प्लस बी, इनको हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले की मदद से हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टू स्क्वायर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट और ये एक्स माइनस टू जो है इस चीज से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो स्केयर रूट से स्केयर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू बच गया और नीचे भी एक्स माइनस टू इन टू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो बाकी क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू, और जहां पे एक्स है वहां पे हमने क्या करना है, टू पुट कर देना है, टू पुट कर देंगे माइनस स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू हमारे पास क्या आ जाएगा,
वन ओवर टू स्क्वेयर रूट टू हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। लिमिट एच अप्रोचेज जीरो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। और उसी तरह से ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कर देंगे इसको। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा और एक्स स्केयर रूट का स्केयर अलग से आ जाएगा, स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय एच और ये सारी टर्म वैसे की वैसे, एक्स प्लस का है ये एक्स माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एच बच जाएगा, एच ओवर एच इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स आ जाएगा। ये एच से एच कैंसिल हो गया हमारे पास और लिमिट भी हमने जहाँ पे हमें एच नज़र आ रहा है हमने जीरो पुट कर देना, जहाँ पे एच आ रहा है इस दफ़ा एक्स पे लिमिट नहीं है एच पे है, तो हमने एच को हमने जीरो करना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस वन ओवर स्केयर रूट एक्स, दो स्केयर रूट एक्स हैं तो दोनों को जमा करके हमारे पास वन ओवर टू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत दफ़ा एग्जाम में आया भी हुआ है। लिमिट एक्स प्रोचेज टू ए, हमारे पास दिया गया है एक्स इंटू पावर एन ओवर ए इंटू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू पावर एम माइनस ए इंटू पावर एम, तो हम क्या करते हैं नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देंगे थे, एक्स माइनस ए से डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे पास लिमिट भी हम नोमिनेटर में अलग से लगा देंगे और डिनोमिनेटर में अलग से लगा देंगे, तो हमारे पास ये हम ये आइडेंटिटी हम पढ़ के आए हैं कि ये चीज़ हमारे पास एन ए इंटू पावर एन माइनस वन के इक्वल आती है, तो हमने क्या किया इस पे अलग से जो है ये लिमिट ये थ्योरम अप्लाई किया और नीचे वाले पे अलग से ये थ्योरम अप्लाई किया, ये ऊपर वाले पे जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एन ए इंटू पावर एन माइनस वन और नीचे वाले पे अगर हमने वही थ्योरम अप्लाई किया तो एम ए इंटू पावर एम माइनस वन, ए की पावर इधर क्या है एन माइनस वन और इधर क्या है एम माइनस वन, तो ऊपर जाके एम माइनस का हो जाएगा और ये वन प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन ओवर एम ए इंटू पावर एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एन ओवर एम ए इंटू पावर एन माइनस एम बच जाएगा हमारे पास।